भक्तों, एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि विहंगम दास नाम का एक शख्स एक कुम्हार के यहाँ नौकरी करता था। हिडिंबा देवी ने विहंगम को सपने में दर्शन देकर उसे कुल्लू का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद विहंगम दास ने यहाँ के एक अत्याचारी राजा का अंत कर दिया था। वे कुल्लू राजघराने के पहले राजा माने जाते हैं। इनके वंशज आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। भक्तों, कुल्लू राजघराने के वंशज राजा बहादुर सिंह ने हिडिंबा देवी सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर 1553 में इस मंदिर का निर्माण करवाया।